हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माय नेम इज कमलाक्ष झा और आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्लस कमिटीज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2017 की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्लस कमिटीज है और ये जो स्क्रीन पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको इस कमिटीज के बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसका एक रूल है, आप पेन और पेपर लेके बैठिए क्योंकि मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और उसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे देना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और मतलब इससे फायदा ये रहेगा कि मैं हर एक कमेटी में कोई ना कोई मतलब चीज का क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। मतलब कोई भी मतलब हर एक कमेटी में जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ दी आएंगे, मैं आपको हर एक कमेटी में क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना है। मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताता हूँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप के मतलब मार्क्स ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इनमें से मैं जो ये कमेटी बना रहा हूं, मैं इनमें से 100% चांसेस हैं कि इसमें से 100% चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 100% चांसेस है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चंस फंसते ही हैं और आते ही हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली कमेटी है जिसका नाम है नेगोशिएशन कमेटी ऑन महानदी एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि महानदी जो नदी है, रिवर है, वो कहां से ओरिजिनेट हुई है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, और सेकंड चीज इसकी आप ट्राइब्यूटरीज के नाम लिखिए। ठीक है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो आप क्या करिएगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं आप पेन और पेपर लेके बैठिए, आपका क्वेश्चन नोट करिए और इसके आंसर्स आप एक साथ लास्ट में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आप अपना टाइम यूटिलाइज मत करिएगा। अगर आप करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, बट इसमें शायद आपका ज्यादा टाइम लग जाए क्योंकि मैं आपको 50 से ज्यादा कमिटीज बताने वाला हूं इस लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये बॉर्डर इस कमिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं आप ये एक बार रीड करिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप ये पूरा रीड करिएगा, बाकी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। ठीक है, तो अब ये कमेटी क्यों बनी, पहली बात सबसे पहली बात करते हैं ये कमेटी को हेड कौन करती है। तो इस कमेटी को हेड करती है वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग। जो वाटर प्लानिंग और प्रोजेक्ट विंग है, जल योजना और परियोजना विंग जो है, उस कमेटी को हेड करती है सेंट्रल, और इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन इस कमेटी को हेड करती है, केंद्रीय जल आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो बॉडीज हैं जो इस कमेटी को हेड करती हैं। क्या नाम है इस कमेटी का, नेगोशिएशन कमेटी ऑन महानदी एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, तो आपको रिवर से समझ में आना चाहिए कि यार रिवर से मतलब होता है वाटर का, तो वाटर मतलब यूटिलाइजेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को ये मतलब इसको देखती है, इसको डिटरमाइन करती है कि नदी में कितना पानी अवेलेबल है और उस पानी का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स किस किस तरीके से नदी का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, जैसे कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज में काफी हेल्पफुल होता है, उसके अलावा पीने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा जैसे कि नदी के मतलब एक जनरल लेवल में बता रहा हूँ, मैं महानदी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मत जाइएगा आप, मैं एक जनरल लेवल में बता रहा हूँ, जनरल सेंस में बता रहा हूँ कि वाटर का यूटिलाइजेशन किस किस चीजों में किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में किया जा सकता है, उसके अलावा किस चीज में किया जा सकता है फ्रेंड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए किया जा सकता है, वैलीज के लिए किया जा सकता है, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया जा सकता है, फिशरीज के लिए किया जा सकता है ना फ्रेंड्स, तो काफी सारे फायदे हैं। बट ये जो कमेटी है नेगोशिएशन कमेटी और महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो हमने इसके हेड देख लिए और हमने ये जान लिया कि ये महानदी, अगर देखो आपको नॉर्मल से अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको रिवर से अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आप हमेशा ये चीज देख सकते हैं कि ये कमेटी क्यों बनी होगी, कमेटी बनी होगी कि इसमें पानी कितना अवेलेबल रहता है उसको डिटरमाइन करने के लिए, और इसके पानी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब महानदी के पानी और उसकी ट्राइब्यूटरीज को, तो इसका आप उसकी ट्राइब्यूटरीज क्या क्या है उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट कमेटी की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये कमेटी है स्पोर्ट्स कोड कमेटी के बारे में, तो कोड से आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए, इंडियन पीनल कोड है जैसे, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जैसे, तो उसके दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि ये किसी कोड की बात कर रहे हैं, CORT से रिलेटेड बात हो रही है, CORT से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, कोर्ट न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हेड कौन कर रहा है, पहले मैं बताता हूँ, इंजेटी श्रीनिवास, तो ये है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है ये। अब ये कमेटी क्या काम करेगी, ये कमेटी करेगी स्टडी करेगी स्पोर्ट्स गवर्नेंस को, और ये स्टडी करेगी स्पोर्ट्स के कोर्ट के जजमेंट को। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये काफी सारी चीजों में इंप्रूव करेगी, ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पे और ये इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये डेवलप करेगी, एक तरह से स्टडी करेगी, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड जो है उसको स्टडी करेगी ये, और उसको काफी इंप्रूव करेगी। ठीक है फ्रेंड, स्टडी करने के बाद कि किस तरह से अगर स्पोर्ट्स में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब को किसी भी प्रकार का जजमेंट देना है तो उसको फेयर जजमेंट किस प्रकार से निकाला जाए, तो ये स्पोर्ट्स कोड कमिटी इसके बारे में स्टडी करके इसका फैसला देगी देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था स्पोर्ट्स कोड कमिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बीसीसीआई के बारे में है, इसको काफी काफी बार आपने न्यूज में देखा होगा, काफी बार में आपने इसको पढ़ा होगा, काफी सारी न्यूज इससे रिलेटेड आती ही है। लगभग स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाएगी तो क्रिकेट के बारे में बात की जाए तो बीसीसीआई का नाम तो आप सुनते ही होंगे। तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बीसीसीआई कमिटी है। अब इसको, इसमें आपको सिर्फ ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है विनोद राय को, जो बीसीसीआई कमेटी को हेड करेंगे। ठीक है, जो बीसीसीआई कमेटी के हेड हैं उसको विनोद राय को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है। तो आप मुझे बताइए, बीसीसीआई के जो हेड थे, कमेटी के हेड थे, वो फॉर्मर हेड का नाम क्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बीसीसीआई के बारे में। अब नेक्स्ट कमेटी के बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कमेटी का नाम है टिमोटी गोंसाल्वेस कमेटी। तो टिमोटी गोंसाल्वेस, जो प्रोफेसर टिमोटी गोंसाल्वेस है, वो इस कंपनी के चेयरपर्सन है। तो काफी सारी जो आपको कमिटीज दिखेंगी उनमें से आपको इस प्रकार से ही मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि इनके हेड, मतलब जो भी हेड होते हैं उन्हीं के नाम से ये कमेटी बन जाती है। तो जैसे प्रोफेसर टिमोटी गोंसाल्वेस कमेटी है, तो प्रोफेसर ये इस कमेटी क्या कहती है, इस कमेटी के अनुसार टिमोटी गोंसाल्वेस जी हैं, जो प्रोफेसर टिमोटी गोंसाल्वेस हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आईटी में, आईआईटीज में जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको 20% रिजर्वेशन मिले। ठीक है, जो आईआईटीज की जो सीट होती है उसमें 20% रिजर्वेशन इन्होंने सजेस्ट किया है कि गर्ल्स स्टूडेंट को दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी अच्छी चीज बताई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कमेटी ने, ठीक है, इस कमेटी के द्वारा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सी कमेटी है। अब ये एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, ये इसको हेड कर रहे हैं अनिल बैजल जी। ठीक है, ये इसको हेड कर रहे हैं। अब ये क्यों, ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है ये किस लिए बनाया गया, ये रिव्यू करने के लिए बनाया गया है दिल्ली पुलिस के डिसीजन को और दूसरे डिपार्टमेंट के डिसीजन को, किसके लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए। जो वुमेन सेफ्टी के लिए जो काफी सारी चीजें जो दिल्ली पुलिस करती है और दूसरे डिपार्टमेंट जो चीज करते हैं, तो उनके डिसीजन को रिव्यू करने के लिए ये वाले स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट किया गया है। ठीक है फ्रेंड, और ये इसके हेड है अनिल बैजल। तो फ्रेंड्स, ये कांग कमेटी है, कांग KANG कांग कमेटी। तो जैसे कि हमने देखा था गोंसाल्वेस कमेटी में गोंसाल्वेस जी हेड थे, चेयरपर्सन थे, तो वैसे ही कांग कमेटी में NS कांग जी चेयरपर्सन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये कमेटी क्यों बनी, ये कमेटी इसलिए बनी क्योंकि ये कमेटी, पहले तो मैं आपको बता दूं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में करने के लिए ये कमेटी बनी है, कि ये कमेटी बनाएगी, उसके रूल्स फ्रेम करेगी, उसके रूल्स किसके लिए, हर एक स्टेट्स के लिए, जिससे ये जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है इसमें डिले ना हो, इसमें देरी ना हो। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने में देरी ना हो। तो ये बनाएगी क्या, ये बनाएगी रूल्स जो कि पूरे स्टेट्स में एक जैसे लागू होंगे, हर एक स्टेट्स में, और ये किसके लिए बनाएगी, ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए मतलब रूल्स बनाएगी और बना रही है, और जिससे क्या, ये वाला जो एक्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन में देरी ना हो, कोई किसी भी प्रकार के डिले ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गया है एनके सिंह कमेटी। जैसे कि आपने देखा था कि गोंसाल्विस कमेटी, उसके बाद अपने कांग कमेटी देखा था, वैसे एनके सिंह कमेटी जी आ गई है, तो उससे आपको पता ही लग गया होगा इनके चेयरपर्सन का नाम है एनके सिंह। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, इस टाइप की ट्रिक। तो ये कमेटी अपन डायरेक्ट करते हैं, क्या काम करती है, ये रिव्यू करती है किसको, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को ये रिव्यू करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमें बताइए कि नीचे कमेंट बॉक्स में कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये कमेटी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया के लिए, IRDAI की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कमेटी है IRDA की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, ये कमेटी का नाम है अमिताभ चौधरी कमेटी। तो आपको पता ही लग गया होगा अमिताभ चौधरी कमेटी है, तो इसको अमिताभ चौधरी जी ने हेड किया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये इसका इस कमेटी जो है, इस कमेटी की रिपोर्ट मार्च 2017 में आ चुकी है, मार्च में। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कमेटी किस लिए बनी थी? ये कमेटी बनी थी एनालिसिस करने के लिए। किस चीज की एनालिसिस करने के लिए? IRDA, जिसमें आपको बताया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो लिंक्ड और नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। इसकी रिपोर्ट तो आ ही चुकी है मार्च 2017 में, तो आप नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखिए। मैंने आपको बता दी एनालिसिस किस चीज के लिए कर रही थी, लिंक और नॉन लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के रेगुलेशंस के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस कमेटी के बारे में था। फ्रेंड्स ये है 6 मेंबर कमेटी, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्लीज आप नीचे आंसर जरूर लिखिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाय चांस अगर आंसर नहीं भी आता है, अगर आप जैसे मैंने आपको पहले आंसर पूछे हैं अभी पिछली स्लाइड्स में, अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लीज जाके गूगल चाचा से आंसर पूछिए क्योंकि इनके पास सबके आंसर हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आप तुरंत अगर सर्च करके आंसर लिख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे उसके और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देंगे, तो आपका आपका ही फायदा होगा क्योंकि एक बार में आपकी चीज क्लियर हो जाएगी, ये डिले नहीं होगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप पता है सोचेंगे कि बाद में लिख दूंगा मैं इसका आंसर, बाद में सर्च कर लूंगा, तो बाद में कभी नहीं आता फ्रेंड्स। ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है और मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप आंसर प्लीज जरूर लिखिएगा। तो आगे की बात करते हैं 6 मेंबर कमेटी के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अमिताभ चौधरी और कांग कमेटी और कौन सी कमेटी के बारे में, गोंसाल्विस कमेटी के बारे में हमने बात करी थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये सब नेम्स वाली कमेटी जो होती है ना, ये काफी कंफ्यूज कर सकती है कि इसमें अगर ऑप्शन पे कुछ कुछ अलग अलग चीजें दे दी, आपको 4 ऑप्शन दे दी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार ये किस कमेटी का था। तो आप प्लीज अपने दिमाग में बनाइएगा, कोई ना कोई शॉर्टकट बनाइएगा कि इस कमेटी को कैसे याद किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही उस कमेटी को आप याद करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, जैसे कि 6 मेंबर कमेटी हो गया, 21 पैनल हो गया, 39 मेंबर, 8 मेंबर कमेटी हो गया, तो इस टाइप के काफी सारी कमेटीज मतलब लाइंड अप है स्लाइड्स में, तो आप आगे देखिएगा। तो इसलिए इन सब कमेटी पे काफी फोकस रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस इन्हीं सब में से आते हैं, और ये यही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इंसान के मार्क्स अचीव हो सकते हैं, और जो इंसान छोड़ देता है तो उसकी क्या होता है, कट ऑफ उसका नीचे हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप सही से रखेंगे, देखिए एक नॉर्मल इजी क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन काफी सारे लोग कर लेते हैं, और जो डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कट ऑफ को मैटर करते हैं आपके कट ऑफ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 6 मेंबर कमेटी के बारे में हम बात करते हैं, तो ये जिद्दा अफजल अमनुल्ला जी इनके चेयरपर्सन है, जिद्दा अफजल अमनुल्ला, ठीक है, तो ये इनके चेयरपर्सन है। और ये कमेटी क्यों बनी है? ये कमेटी बनी है जो हज पॉलिसी ऑफ इंडिया है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो उसके मैटर्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो हज पॉलिसी ऑफ इंडिया में क्या बताया गया है, इसमें जो हज के लिए जो मुस्लिम पिलग्रिमेज होते हैं, जो हज जाते हैं जो लोग मुस्लिम्स लोग, तो उनके लिए गवर्नमेंट एयर फेयर सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, ट्रैवल वाली सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, काफी सारी इनके लिए सब्सिडीज होती हैं। तो उसके पीछे काफी सारा विवाद हुआ था जो कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो उसी के लिए 6 मेंबर कमेटी बनाई गई थी जिसमें हज पॉलिसी ऑफ इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए और उसके मैटर को देखने के लिए कि मतलब किस तरह से उस पॉलिसी को इम्प्रूव किया जा सके, कि जो एयर फेयर है उसमें सब्सिडीज का जो पोर्शन है उसको भी किस तरह से और किस जैसे इकोनॉमिकली इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग या किसी चीज के अकॉर्डिंग, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए या फिर किसको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए या सबको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, ये वाली हज पॉलिसी ऑफ इंडिया में इस कमेटी में 6 मेंबर कमेटी में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं आगे कौन सी कमेटी है। देखिए फ्रेंड्स 6 मेंबर कमेटी के बाद आ गया 16 मेंबर कमेटी, तो आप प्लीज ये वाली चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से आपका कट ऑफ होता है, आपके मार्क्स होते हैं, आपका सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। तो ये 16 मेंबर कमेटी है, 16 मेंबर कमेटी, तो आप ये देखिए इसको हेड कौन करते हैं, इसको हेड करते हैं HR नागेंद्र जी, डॉक्टर HR नागेंद्र हेड करते हैं। अब देखिए डॉक्टर है तो अब ये आपको इससे मतलब इस प्रकार से आपको थोड़ा सा एक अपने अंदर ट्रिक्स और टैक्टिक्स खेलनी पड़ेगी। अब डॉक्टर हैं तो आप योगा और डायबिटीज की बात इनने करी है, तो ये बताएंगे कि ये एक योगा प्रोटोकॉल बनाएंगे जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। तो इन्होंने ये बात भी बोली है कि डेली योगा करने वाले जो लोग होते हैं उनसे डायबिटीज कंट्रोल होता है, तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो डेली योगा करेंगे तो उनका योगा काफी ज्यादा उनकी डायबिटीज काफी ज्यादा कंट्रोल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 16 मेंबर कमेटी की बात करी थी। ये केव है, CABE केव, उसका सब पैनल है, तो इस सब पैनल के हेड कौन है, कदियम
श्रीहरी जी इसके हेड हैं, तो ये जो केब है इसका सब पैनल क्या चीज देखेगा, ये सब पैनल देखेगा उन इश्यूज को जो कि गर्ल्स के एजुकेशन से संबंधित हैं, ठीक है, कि गर्ल्स के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और जो बैरियर्स बन रहे हैं गर्ल्स के एजुकेशन में, कुछ कुछ चीजें जैसे कि हमने पहले भी देखा है न्यूज में कि जैसे कि जो स्कूल्स में जो टॉयलेट्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, तो इसलिए हर एक स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट बनाना बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो कि हमारी सरकार ने बता दिया था। उसी प्रकार से सब पैनल ऑफ केब जो है इसका ये सब पैनल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका ये सब पैनल है किसका, केब का, CABE, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए बताइए कि ये CABE क्या है। तो ये सब पैनल ऑफ केब है जो चीज देखेगी किस पे, गर्ल्स के एजुकेशन पे, ठीक है, उन इश्यूज को देखेगी जो गर्ल्स के एजुकेशन से संबंधित है। ये लिए आ गया 33 मेंबर कमेटी फिर से। अब देखिए इस टाइप की मेंबर्स कमेटी आएंगी तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, तो आप इनके चेयरपर्सन कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कौन सी पर्सनालिटी है। और सेकंड चीज, ये कमेटी किस लिए बनी है, ये कमेटी इसलिए बनी है कि जल्द से जल्द सागरमाला प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जा सके, स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस चीज का, जल्द से जल्द बनाया जा सके सागरमाला प्रोजेक्ट को, उसके जो जो वर्क्स है उस वर्क को जल्दी से जल्दी, उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये वाली कमेटी बनाई है। किस प्रोजेक्ट को, सागरमाला प्रोजेक्ट को, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज इसके बारे में जाइए और इसके बारे में सर्च करिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी काफी काफी अच्छा और काफी लाभदायक प्रोजेक्ट है ये सागरमाला प्रोजेक्ट फ्रेंड्स। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है और एन चंद्रबाबू नायडू कौन है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, किसी स्टेट की सबसे बड़ी पर्सनालिटी होती है फ्रेंड्स। ये इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनाया गया है, ये दो डिपार्टमेंट्स का है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, तो इसको हेड कर रहे हैं हसमुख अधिया जी और तपन रायतो जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है हसमुख अधिया जी और कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी है तपन रायतो। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स क्यों बनाया गया, तो ये रिव्यू और मॉनिटर करने के लिए बनाया गया, किसको, शेल कंपनीज को, उसके फंक्शनिंग को। अब ये शेल कंपनीज क्या कंपनी, कौन सी कंपनीज होती है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट, मैं हर एक चीज जो भी मैं आपको कमेटी बता रहा हूँ फ्रेंड्स उससे रिलेटेड चीज न्यूज में काफी मतलब इंपॉर्टेंट हुई है और काफी ट्रेंडिंग में रही है ये सभी न्यूज, जैसे पनामा पेपर लीक्स, आप सबको पता होगा पनामा पेपर लीक्स के कारण काफी सारे लोग उलझ गए हैं, तो ये किस पनामा पेपर लीक्स कैसे होता है, ये शेल कंपनीज के थ्रू ही इन लोग जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट जो अपना बनाते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो ये इन्हीं इसी मतलब जो पनामा पेपर लीक है उसी में ये सब शेल कंपनीज की ही बात की गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको पता होना चाहिए बेसिकली शेल कंपनीज के बारे में, इसके कारण तो इसी शेल कंपनीज के कारण तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ गया, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये क्या रिव्यू करेगी वाली कंपनी, ये सॉरी ये वाली टास्क फोर्स, इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स, तो ये मॉनिटर करेगी किसको, शेल कंपनीज को, और रिव्यू करेगी शेल कंपनीज को, जिससे ये प्रिवेंट कर सके किसको, उनके मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेशन के तरीकों को, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपनी काफी, शेल कंपनीज काफी ज्यादा फेमस होती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टैक्स इवेट करने के लिए, काफी सारे लोग इस टाइप की कंपनीज, फर्जी कंपनीज टाइप ओपन कर देते हैं बाहर के देशों में और अपना पैसा रोटेट करके टैक्स बचा लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए काफी ज्यादा और जिसको जानकारी है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखिए फ्रेंड्स। ये 11 मेंबर पैनल है, ये पैनल इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस कर सके, एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सके उसको दूर करने की इसकी प्रॉब्लम्स को, और मतलब एक फ्रेम बना सके, मतलब एक फाइनल फ्रेम बना सके और फाइनल रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके बन जाए, जिससे कि इंडिया मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से जो अभी सफर कर रहा है तो एक इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा सके कि जिससे ये मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम दूर हो जाए इंडिया से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी 11 मेंबर पैनल। तो ये है डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीपीओ। तो फ्रेंड्स ये डीपीओ किस चीज में हेल्प करेगा, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब फॉरेन कंट्रीज से अपन वेपन्स जब खरीदते हैं, डिफेंस की डील होती है, तो उसमें काफी लॉन्ग प्रोसेस होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, काफी सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं और काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है, तो उस चक्कर में क्या क्या होता है कि बहुत डिले होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डिले ना हो उस चीज के इम्प्रोवाइजेशन के लिए वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जिसको डॉक्टर प्रीतम सिंह जी ने जी हेड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कमेटी का नाम है 11 मेंबर इंटर डिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी से अगर आप सोच रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी थ्रेट को बचाने की बात करेगी ये कमेटी, तो हाँ आप सही बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
तो ये क्या करेगी, ये रिव्यू करेगी जो अभी आने वाले जो थ्रेट्स हैं, जो जो कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो ये सजेस्ट करेगी कि किस तरह से मतलब स्ट्रेंथन किया जा सके, किस तरह से मजबूत बनाया जा सके हमारी साइबर सिक्योरिटी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब होता क्या है कि ये जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है उस कारण से कितनी प्रॉब्लम बढ़ गई है, ये साइबर सिक्योरिटी जो है ये भी आपका मतलब प्रीलिम्स में भी एक अलग से आपका एक टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का, मेंस में भी काफी अच्छा एक मतलब इसमें आंसर्स लिखने के लिए काफी सारे पॉइंट्स अभी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी के साथ कितने सारे थ्रेड्स भी हैं। जैसे कि इसी साल हमने देखा कि एक मेरे ख्याल से बोना क्राई करके एक उसका नाम था, मुझे अभी नाम क्लिक नहीं हो रहा है कि ये सही में बोना क्राई नाम था या ये क्या नाम था, अगर आपको याद आ रहा है तो, अगर अभी बीच में एक हैक किया था काफी एक मतलब जो हैकिंग जो टाइटल था उसका नाम था बोना क्राई करके, एक चीज थी जिसमें क्या कर दिया था, पूरे कंप्यूटर्स को हैक कर दिया था, मेरे ख्याल से वो वाले कंप्यूटर्स को हैक किया था जो 2000 या माइक्रोसॉफ्ट 2000 या के नीचे वाले कंप्यूटर्स है उनको हैक कर दिया था, 2010 और 2007 वाले कंप्यूटर्स को हैक नहीं किया था, विंडोज की बात कर रहा हूँ मैं, विंडोज और 2000 या एक्सपी इस टाइप के विंडोज को हैक कर लिया था ये वॉनाक्राई करके, वॉनाक्राई रैंसमवेयर करके एक वो था, ये टाइटल था इस टाइप का हैकर्स का। तो इन लोग क्या कर रहे थे, हैक करने के बाद इन लोग पैसे मांगने लगते थे, और उसके अलावा जैसे ये वॉनाक्राई है कि कुछ और नाम है इसका, अगर आप मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उसका सही नाम प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। ठीक है, अभी क्लिक नहीं हो रहा मुझे वाला नाम। और फ्रेंड्स इसके अलावा जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है उसका 12,000 रुपए उसके अकाउंट से एक दिन सुबह सुबह 5-1 बजे निकल गए, और उसने जाके कंप्लेन करी तो वो बोल रहे थे कि हम लोग नहीं हैक कर पाएंगे, कि मतलब कौन है और पता नहीं लग पा रहा है कि कौन क्या किसने आपके पैसे निकाल लिए हैं। तो इस टाइप से भी काफी सारे हैक हो रहे हैं लोगों के एटीएम कार्ड्स भी, हम लोग देखते हैं कि अपन हर कहीं एटीएम कार्ड अपना स्वैप करते हैं तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार की मशीन्स आ गई हैं कि जो आपके एटीएम का जो नंबर है या एटीएम का जो आपका जिसको आप स्वैप करते हैं ना कार्ड को, उस आपके कार्ड को क्लोन कर लेती हैं वो सारी डिवाइस। तो काफी सारी मतलब एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है बताइए साइबर सिक्योरिटी का, तो इस टॉपिक के ऊपर काफी सारी चीजें अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे इसके 12,000 चले गए थे, मैं तो बहुत छोटी रकम की बात कर रहा हूँ, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जा चुके हैं, मतलब इस तरह के हैक्स और इस तरह के टेक्नोलॉजी थ्रेट्स के थ्रू जा चुके हैं। तो साइबर सिक्योरिटी को काफी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं और हम लोग काफी सारी चीजें डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज हो रहे हैं, जैसे कि हमारा आधार कार्ड ही देख लीजिए आप, आधार कार्ड हर जगह लिंक किया जा सकता जा रहा है, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक कर दीजिए, बैंक अकाउंट से लिंक कर दीजिए, पैन कार्ड से लिंक कर दीजिए, तो इस तरह से अगर आधार कार्ड को अगर लिंक कर दिया जाएगा तो सोचिए अगर किसी ने हैक कर दिया तो डायरेक्ट हमारे बैंक से पूरे पैसे निकल सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी है काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो फ्रेंड्स अच्छा ये इसको हेड कौन कर रहे हैं, इसको हेड कर रहे हैं आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीना हेमचंद्र मैम, इसको हैक कर रही है, ठीक है, हैक कर रही है सॉरी नहीं इसको हेड कर रही है हेड, ठीक है। तो ये चेयरमैन है इनकी मीना हेमचंद्र जी। तो फ्रेंड्स ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि इंडिया को साइबर सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है, तो आप ये करीब 100 वर्ड्स में इसका आंसर लिखिए, ये आप ही के लिए अच्छा है, मैं उससे आपस में आप डिस्कस करेंगे तो एक सोशल मीडिया का अपन अच्छा उपयोग बना सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 11 मेंबर इंटरडिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे अपन। ये फ्रेंड्स 18 मेंबर पैनल बनाया गया है, ये इसको देख के बनाया गया है कि जो अभी रोहिंग्या क्राइसिस थे म्यांमार के, तो उसको देखते हुए बनाया गया है, जिसमें बांग्लादेश में भी काफी इशू आ रहा था और बांग्लादेश के भी माइग्रेंट्स को देखते हुए ये वाला 18 मेंबर पैनल बनाया गया। तो रोहिंग्या क्राइसिस क्या है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसको हेड कर रहे हैं पार्था मुखोपाध्याय जी, पार्थ मुखोपाध्याय। तो अब ये 18 मेंबर पैनल ने क्या सजेस्ट किया है, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है, एक मतलब लीगली मतलब एक चीज होनी चाहिए, मतलब जैसे कानूनी चीज होनी चाहिए जिससे क्या कर सके हम लोग माइग्रेंट्स के राइट्स को सिक्योर कर सके, ठीक है। तो एक माइग्रेंट्स का राइट होना चाहिए जिसको एक लीगल राइट होना चाहिए जिसको सिक्योर कर सके हम लोग माइग्रेंट्स को, तो ये सजेस्ट कर रहे हैं 18 मेंबर पैनल के थ्रू और हेड कर रहे हैं पार्थ मुखोपाध्याय जी। तो आप नीचे रोहिंग्या क्राइसिस क्या है उसके बारे में लिखिए, तो ये म्यांमार में है और ये रोहिंग्या क्राइसिस और इसमें ये क्या चीज है, रोहिंग्या कौन लोग हैं, रोहिंग्या कमेटी कौन क्या है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा नीचे दो चार लाइन में आप आंसर लिख के बताइए। ये हाई लेवल कमेटी के बारे में बात करेंगे अब अपन, हाई लेवल कमेटी एक है, ये जांच करेगी किसकी जांच करेगी, ये जांच करेगी रेगुलेटरी बॉडीज की, जो कि है दो बॉडीज की जांच करेगी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन
और दूसरी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। तो ये कामकाज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इसकी जांच करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हेड है अरविंद पंगरिया जी, ये काफी नोन पर्सनालिटी है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। ये फ्रेंड्स ये कमेटी ने काफी अच्छा एक्शन मतलब के लिए बनाई गई है, काफी अच्छी चीज है। इस कमेटी के थ्रू काफी सारी चीज इंप्रूव होंगी, क्योंकि होता क्या है बड़े बड़े ऑफिस में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे ऑफिसर लीव ले लेते हैं, काफी सारी छुट्टियां ले लेते हैं, या तो मतलब कि ऑफिस में आते नहीं है बट फिर भी उनकी प्रेजेंट चढ़ती है। तो ये कमेटी उस चीज को चेक करने के लिए बनाई गई है, उनको दंड देने के लिए बनाई गई है जो ऑफिसर ऐसा करते हैं। तो ये किन के लिए बनाई गई है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स के, IRS ऑफिसर्स के ऊपर बनाई गई है, और काफी सारे जूनियर रैंक ऑफिसर्स के ऊपर ये वाली बनाई गई है। कौन से डिपार्टमेंट के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। तो ये 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है उन लोगों के लिए कि जो बिना बताए लीव ले लेते हैं, जो प्रॉपर मतलब एप्लीकेशन के थ्रू लीव नहीं लेते हैं, या फिर जो लोग आते नहीं है पर फिर भी उनके ऑफिस में प्रेजेंट मतलब उनके रजिस्टर पे प्रेजेंट होता है बट फिर भी वो ऑफिस में रहते नहीं है, तो उनके खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है और उसको हेड करेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ADG हेड करेंगे इसको। फ्रेंड्स, ये कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, तो कृष्णा रिवर से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये काफी काफी सालों से डिस्प्यूट चल रहा है, कृष्णा रिवर बॉर्डर डिस्प्यूट। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट है। तो अब ये कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जो बनाई गई है, ये बनाई गई है, इसको हेड कर रहे हैं AK बजाज जी, और ये देखेगी किस पे बॉर्डर शेयरिंग के मतलब ये 2 स्टेट्स के बीच में बॉर्डर शेयरिंग का इशू देखेगी, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, इशू क्या, मतलब ये मैटर्स देखेगी कि बॉर्डर शेयरिंग मतलब प्रॉपर वे में बॉर्डर शेयरिंग मतलब जो बॉर्डर है वो प्रॉपर वे में शेयर किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 चीज आप याद रखिएगा, और स्टेट्स आप मुझे बताइए कौन से स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये है DB शेकाटकर, DB शेकाटकर कमेटी है जो जो हेड कर रहे हैं DB शेकाटकर जी, और ये कमेटी बनाई गई है, ये रिफॉर्म करने के लिए बनाई गई है मिलिट्री फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको रिफॉर्म करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो ये DB शेकाटकर कमेटी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये नो डाउट करिए। तो फ्रेंड्स ये ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम, जो ये स्कीम्स है, जो ये प्रोजेक्ट है, ये कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम, या सबसे पहली बात तो आप ये इसके बारे में आप थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम क्या है। और तो ये जो है ये इंटर मिनिस्टेरियल एम्पावर्ड कमिटी जो है ये बनाई गई है इसको सैंक्शन, इसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, ये जो कमेटी बनाई गई है ये प्रोजेक्ट TIES मतलब ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम को मॉनिटर करने के लिए ये वाली वो बनाई गई है। ठीक है, इसके ऊपर निगरानी करने के लिए ये वाली स्कीम ये वाली कमेटी बनाई गई है, इसको रीता टेओतिया जी इसको हेड कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स ये है इंटर मिनिस्टेरियल मॉनिटरिंग कम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। ठीक है, तो ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी बनाई गई है मॉनिटर करने के लिए उड़ान की जो स्कीम थी, जो एयर कनेक्टिविटी स्कीम थी, रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, जिसमें हमने देखा था कि वो छोटे छोटे जो जहां पे एयरपोर्ट्स नहीं बने हैं, जो जिस रीजन में जो छोटी छोटी सिटीज हैं या बड़ी बड़ी सिटीज हैं या जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जहां पे मतलब टूरिज्म काफी ज्यादा बड़े लेवल पे है बट वहां पर कोई एयरपोर्ट फैसिलिटीज एयर फैसिलिटीज नहीं है, उस जगह पे भी एयर कनेक्टिविटी बनाने की बात की गई थी। और वैसे उस जगह को छोड़ के काफी सारी सिटीज में एयर कनेक्टिविटी बनाने की बात की गई थी, इंडिया को में एयर ट्रैफिक बढ़ाने की बात की गई थी। तो इस चीज को उड़ान स्कीम को मॉनिटर करने के लिए जो उड़ान की स्कीम थी, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ये स्कीम क्या थी, पूरा मतलब स्कीम के बारे में थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में, रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी स्कीम थी। तो इस स्कीम को मॉनिटर करने के लिए इंटर मिनिस्टेरियल मॉनिटरिंग कम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बने हैं। तो मॉनिटर करने भी, जैसा हम बोलते हैं ना प्रीलिम्स कम मेंस, तो वैसे ये कोऑर्डिनेट भी करेगी उसको। तो ये सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करेगी, ये कोऑर्डिनेट भी करेगी, इसकी सहायता भी करेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है गिरधर मालवीय कमेटी, तो ये जस्टिस श्री गिरधर मालवीय जी इसको हेड कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट, ये कमेटी जो है ये प्रिपेयर करेगी ड्राफ्ट गंगा एक्ट, मतलब प्रिपेयर करेगी और ड्राफ्ट करेगी किसको, गंगा एक्ट को। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, उमा भारती जी के पास जाएगी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है किसकी, वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन की। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है ये, तो बेसिकली ये प्रिपेयर करेगी गंगा एक्ट को फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं।
देखिए फ्रेंड, नोटाबंदी के बाद डिजिटल करेंसी की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो कमिटी है इंटर डिसिप्लिनरी कमिटी जो कि दिनेश शर्मा जी इसको हेड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली डिजिटल करेंसी और या तो फिर वर्चुअल करेंसी इसको बोलते हैं, उसको उसके लिए रेगुलेशंस लेके आएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस नए बनाएगी इस मतलब डिजिटल करेंसी को लेकर। जैसे डिजिटल करेंसी कौन सी है आप दो तीन नाम नीचे बताइए। जैसे कि डिजिटल करेंसी में, जैसे कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी एक तरह से डिजिटल करेंसी के रूप में माना जाता है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, पेटीएम हो गया, इस टाइप के काफी सारे जो एप्स वगैरह होते हैं। गूगल ने एक ऐप निकाला है, उस ऐप का नाम आप नीचे बताइए, जो कि मतलब इस तरह से डिजिटल करेंसी में जो सपोर्ट करेगा, उस ऐप का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। काफी करंट अफेयर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि गूगल ने एक बहुत बढ़िया ऐप निकाला है जिसके थ्रू आप लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक मतलब एक डिजिटल वॉलेट बनाया है गूगल ने, उस वॉलेट का नाम बताइए आप, क्या नाम है उसका। और उसके अलावा एक और भीम नाम की ऐप है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा नीचे बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है डिजिटल करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भीम नाम की ऐप और गूगल ने एक ऐप बनाया है, उसके बारे में बताइए आप, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन यूजीसी ने जो रिकमेंडेशन दिया था 7th पे कमीशन के ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेकर, मतलब जो मेन फोकस रखकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो कि उसने रिकमेंडेशन दिया था, उसको रिव्यू करेगी यानी कमेटी, जिसका नाम है केवल कुमार शर्मा कमेटी, ठीक है फ्रेंड्स। केवल कुमार शर्मा कमेटी जो यूजीसी से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, और इसको हेड कर रहे हैं केवल कुमार शर्मा। ये देखिए, किसानों के हित के लिए काफी अच्छी कमेटी ये बनी है, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसमें बताया गया है कि हर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केट होना चाहिए, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसको एस्टैब्लिश करके रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कमेटी इस तरह की बात कर रही है इसको एस्टैब्लिश और रेगुलेट करने की, और एक होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केट होगा, उससे क्या रहेगा कि किसान डायरेक्टली यहाँ पर जाकर अपना मतलब सेल और परचेज कर सकते हैं, और मिडिल मैन इसमें से कट जाएंगे, और काफी सारी मतलब किसान को डायरेक्ट इनकम होगी, ठीक है फ्रेंड। और होलसेल मार्केट होगा तो उससे फायदा क्या होगा, हम लोग को भी फायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि क्या होगा कि रिटेल मार्केट में काफी सारी सब्जियों के प्राइसेस बढ़ के हमारे पास तक आते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारे वैल्यू एडेड कॉस्ट लग जाते हैं, तो उससे बचकर हम लोग को भी फायदा होगा, और अल्टीमेट जो प्रॉफिट होगा वो किसान के पास डायरेक्ट जाएगा। ना कि देखिए क्या होता है कि लोग किसान के पास जाते हैं, सस्ते में ले लेते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, वापस आकर यहाँ पे सिटी में आकर काफी महंगे में बेचते हैं, तो अब क्या होगा, किसान डायरेक्टली, क्योंकि देखिए 80 किलोमीटर काफी बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो 80 किलोमीटर पर किसान खुद जाकर वहां पे अपनी मंडी लगा सकता है फ्रेंड्स, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके चेयरपर्सन है अशोक दलवाई। फ्रेंड्स, ये टेक्निकल कमिटी बनी है जो कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो कोर सर्विसेज होती हैं, जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड होती है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए ये वाली कमेटी बनी है, जिसका नाम है टेक्निकल कमेटी IBPS। इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा IBPS के बारे में। तो ये डॉक्टर RB बर्मन जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के, और ये चेयरमैन है किसके, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी चेयरमैन है, और ये क्या करेगी, कोर सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है फ्रेंड्स। देखिए, अरविंद बंगरिया जी दूसरी बार हेड, दूसरी कमेटी, दो एक पहले भी हम पढ़ चुके हैं कमेटी को, दूसरी कमेटी को भी ये हेड कर रहे हैं। इस कमेटी का नाम है हाई लेवल टास्क फोर्स। तो ये टास्क फोर्स जो है ये क्या करेगा, ये करेगा टू कंप्यूट टाइमली डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, रोजगार की जो सिचुएशन होती है, जो रोजगार की स्थिति होती है कंट्री के अंदर, तो उसके ऊपर ये प्रॉपर डेटा, एक टाइम टू टाइम एक डेटा बनाएगा, मतलब ये वाली कमेटी डेटा, ये वाली फोर्स, टास्क फोर्स डेटा बनाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी कंट्री में। क्योंकि देखिए, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हम लोग को पता लगेगा कि अगर कितना एम्प्लॉयमेंट है कंट्री में और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, तो अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट की तरफ मतलब वेव करने के लिए काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी, और अगर हमारे पास प्रॉपर टाइमली डेटा अगर रहेगा तो हम ये चीज इजिली कर सकते हैं कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट पोजीशन से एम्प्लॉयमेंट पोजीशन पे आने के लिए हम किस तरह से कंट्री में हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये माँ कमेटी है, ये यूपी में बनाई गई है, तो ये यूपी के स्कूल्स में जो मिड डे मील जो होते हैं, जैसे हमने काफी सारी न्यूज देखी है कि कभी मतलब कीड़े मकौड़े उस टाइप में भोजन में आ जाते हैं, और काफी सारे, अच्छा बीच में एक बहुत बड़ी न्यूज हुई थी कि जहां पे काफी सारे बच्चों की डेथ हुई थी, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे बच्चों की डेथ हो गई थी मिड डे मील को लेने के कारण, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये माँ कमेटी है, इसका नाम आप याद रखिएगा, ये यूपी के स्कूल्स में मिड डे मील को चेक करने की, इसकी क्वालिटी, मिड डे मील की क्वालिटी को चेक करने के लिए ये वाली कमेटी बनाई गई है कि ये वाली कमेटी से कोई भी मतलब जैसे बोलते हैं ना फ्लाइंग स्क्वाड, तो जैसे ये फ्लाइंग स्क्वाड की तरह काम करेगी, कभी भी किसी भी स्कूल्स में जाएंगे और स्कूल्स में जाके मिड डे मील की क्वालिटी को चेक करेंगे, और अगर नहीं है तो उसके ऊपर फाइन्स भरा जाएगा और उसके ऊपर केस किया जाएगा स्कूल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी है, क्योंकि मिड डे मील के कारण मैंने काफी न्यूज पढ़ी है, बहुत डिस्ट्रक्टिव न्यूज होती है वो, और मुझे बहुत बुरा लगता है वाली न्यूज पढ़ के, बेचारे छोटे छोटे बच्चे बेचारे उन लोग को ये खाना दिया जाता है, गंदा खाना दिया जाता है, उनके कारण उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और काफी सारी बीमारी हो जाती है, और काफी समय तो बेचारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। और हमने काफी बहुत ड्रास्टिक लेवल पे वाली न्यूज देखी थी, आप इसका आंसर लिखिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थी ये। अब देखिए फ्रेंड्स, ये गंगा रिवर के ऊपर दूसरी एक और कमेटी है जिसका हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है चितले समिति या चितले कमेटी की बारे में बात करेंगे, जिसको माधव चितले जी ने जी हेड कर रहे हैं। और ये क्या रिकमेंड करती है वाली कमेटी, ये रिकमेंड करती है मेजर्स फॉर डिस्टिलेशन ऑफ रिवर गंगा, जो गंगा रिवर है जिसमें काफी गंदगी हो गई है, उस चीज को किस तरह से साफ किया जा सके उस मतलब गंगा रिवर को, तो उसकी ये बात करें, ये वाली कमेटी उसके लिए बनाई गई है, ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ गंगा रिवर। फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये पैनल है, इसको बोलते हैं MHA पैनल, तो ये स्पेशल सेक्रेटरी है इसके जो कि इसको हेड कर रहे हैं, और ये पैनल इसलिए बना है क्योंकि देखिए क्या हो रहा था, अभी रोहिंग्या इशू हो गया था, इस चक्कर में इंडियन और म्यांमारीज के मतलब 16 किलोमीटर के बॉर्डर के दायरे में वहां के जितने भी सिटीजन है उनको फ्री मूवमेंट अलाउ किया जा रहा है, जिसकी जांच ये करेंगे, ये वाली कमेटी जिसकी जांच करेगी, ठीक है फ्रेंड्स, कि इनको जो फ्री मूवमेंट जो अलाउ कर रहे हैं इंडिया और म्यांमारीज के जो 16 किलोमीटर के बॉर्डर का जो एरिया है इंडिया और म्यांमार का, तो उसमें जो फ्री मूवमेंट कर रहा है उसके रूल्स को एग्जामिन करने के लिए, उसके रूल्स की जांच करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पैनल बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये पैनल और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसी से आपको पता लग जाएगा ये पॉलिसी किस लिए बनी है, ये पॉलिसी बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए, तो ये काफी ईजी है, पर ये इस टाइप के क्वेश्चन कमी आते हैं एग्जाम में, बट फिर भी मैंने इसको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है क्योंकि डायरेक्टली लिखा रहता है, बट इसमें क्या आ सकता है कि इसको हेड कौन कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये ला दिया है क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन की बात है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है ड्राफ्ट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है, पैनल बना है, ये नेशनल एजुकेशन पैनल बना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए, और इसको हेड कर रहे हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये कमेटी बनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, तो ये उदय कोटक जी इसको हेड कर रहे हैं, तो ये इम्प्रूव करेगी स्टैंडर्ड्स किसकी, जो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनीज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, उसको उसके स्टैंडर्ड्स को ये इम्प्रूव करने की बात करेगी, तो जैसे स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने की बात करेंगे, जैसे उसके रैंकिंग को उसको बढ़ाने की बात करेगी, जैसे वो कंपनी है तो ये कमेटी हेल्प करेगी उसकी रैंकिंग बढ़ाने में, ठीक है। फ्रेंड्स, ये RBI ओवरसीइंग कमेटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी है, जिसको हेड करेंगे प्रदीप कुमार जी, और ये देखेगी जो स्ट्रेस्ड एसेट्स जो होते हैं, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब जो हायर NPA जो होते हैं, जिसको रिकवर करने की कोई मतलब जो NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता बैंक्स को, काफी ज्यादा नुकसान होता है बैंक्स, काफी ज्यादा NPA में आज की रेट में तो काफी ज्यादा लॉस बियर कर रहा है बैंक, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत सारे हैं उसके पास, और ये उसको ये कमेटी उसको देखेगी जिसके जो स्ट्रेस एसेट है, मतलब जो NPA में सबसे ज्यादा ऐसे एसेट्स हैं जिसकी वसूली कभी नहीं की जा सकती या बहुत उसके ना के बराबर उसकी वसूली होती है, उसको स्ट्रेस एसेट बोलते हैं, मतलब जो जैसे क्या होता है कि हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग अपना एक एसेट वहां पे डालते हैं, और जो लोग लोन पूरा नहीं कर पाते तो बैंक उस एसेट को अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है, जैसे कि वो जमीन हो गई या कोई भी गाड़ी हो गई वगैरह, जैसे अपन फाइनेंस में गाड़ी लेते हैं और हम लोग फाइनेंस नहीं भर पाएंगे तो गाड़ी जब्त कर लेगी, अब उस गाड़ी की वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो ज्यादातर मैं लैंड की बात करता हूँ, तो लैंड की क्या होती है, लैंड की वैल्यू ही अगर नहीं बचेगी, और क्या होता है कि रजिस्ट्री आजकल लोग बहुत फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्री आगे करा लेते हैं, मेरे साथ ही हुआ है यार ये वाला फ्रॉड, तो लोग फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्री करा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जमीन, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ छोटा सा, क्या होता है कि मेरे केस बताता हूँ कि मेरे फादर की एक प्रॉपर्टी थी, ये लैंड थी मेरे फादर की प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी पे क्या हुआ था कि दो लोग आए, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, अब खरीदने के बाद मतलब हम लोग को चेक्स वगैरह दे दिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, चेक के थ्रू पेमेंट करी इन लोगों ने और प्रॉपर्टी को अपने नाम कर दिया और ये चेक हो गया बाउंस, ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे हो गई, 5 दिन में इनने लोन उठा लिया इस प्रॉपर्टी पे, 83 लाख रुपीज उनको लोन मिल गया इस प्रॉपर्टी पे और ये लोग फरार हो गए इस लोन को लेके,
तो अभी भी केस चल रहा है फिलहाल, तो इस तरह के लोग होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी एनपीए हो गई। वैसे इस प्रॉपर्टी की मतलब जैसे कि ये प्रॉपर्टी जिस एरिया में है उसके आजू बाजू पूरे प्लॉट्स बने हुए हैं, इस प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री वैल्यू है कितनी है, 1,40,00,000 रुपए। और आज की कंडीशन देखिए, प्रॉपर्टी कोई खरीदता नहीं है, बहुत मतलब इतनी महंगी प्रॉपर्टीज बहुत मुश्किल है लोगों के लिए खरीदना। और ये जिस जगह पे मतलब इसके आसपास काफी सारा कंस्ट्रक्शन ऐसा हो गया है, जैसे स्लम एरियाज इसके आसपास बन गया है, तो ऑलरेडी इसकी भली रजिस्ट्री वैल्यू इसकी 1,40,00,000 होगी, बट पीछे स्लम एरिया के कारण वहां पे कोई लेगा नहीं। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई बैंक के लिए, ये एनपीए हो गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई, इससे बैंक कोई वसूली नहीं कर सकता। ठीक है, अरे ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी काफी अच्छी लोकेशन पे है, मुझे वो कर दिया था ये, मैंने सिर्फ आपको एज एन एग्जांपल बताया। ठीक है, तो ये एनपीए मतलब इस तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैंक रिकवर नहीं कर पाता है कभी, और उससे उसको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जो हायर वैल्यूज होते हैं जिसको बैंक रिकवर नहीं कर पाता है, वो स्ट्रेस एसेट्स बोले जाते हैं। तो ये कमेटी जो है आरबीआई ओवरसीइंग कमेटी, वो इस पे फोकस करेगी कि इससे कैसे मतलब बैंकिंग को किस तरह से फायदा दिला सके, इस एनपीए का किस तरह से यूज किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, 100% इंपॉर्टेंट है, ये आना तो बनता ही है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चीज थी जो हुई थी स्टेट फ्लैग के ऊपर लेके, काफी बड़ा बवाल हुआ था कर्नाटक और गवर्नमेंट ने। तो ये 9 मेंबर कमेटी है, इसको कर्नाटक और गवर्नमेंट ही हेड कर रही है, तो ये स्टेट फ्लैग को डिजाइन करने की बात कर रही है, और इसकी रिपोर्ट सबमिट इस तरह से करेगी कि उसकी लीगल सेंसिटी आई जाए। ठीक है, कि मतलब कानूनी पवित्रता, जैसे कि हमने देखा कि इसकी कानूनी पवित्रता है, कि मतलब ये लीगली मतलब एक फेयर हो, मतलब अगर स्टेट फ्लैग बनना, तो ये अपनी रिपोर्ट सेंड करेगी, और ये कर्नाटक गवर्नमेंट की है, तो ये बहुत बड़ा इशू था, तो आप ये जान लीजिए इसके बारे में। तो ये 9 मेंबर कमेटी थी, तो ये डिजाइन एक स्टेट फ्लैग को डिजाइन करेगी और उसकी रिपोर्ट बनाएगी, जिससे जो कि एक कानूनी पवित्रता, जिसकी रिपोर्ट में कानूनी पवित्रता हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जीएसटी काउंसिल का पैनल है जो कि प्रदीप कुमार सिन्हा जी जिसको हेड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को सेलेक्ट करेगी। ठीक है, ये वाला पैनल जो होगा वो सेलेक्ट करेगा। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो है वो क्या है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमर को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी से कंज्यूमर को काफी ज्यादा फायदा होगा, डायरेक्ट बेनिफिट जीएसटी का कंज्यूमर के पास कंज्यूमर को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। फ्रेंड्स, ये 10 मेंबर पैनल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अपॉइंट करेगी एक एक्सपर्ट पैनल को, कमिटी को, जो कि क्या करेगा, स्टडी करेगा, जो कि जांच करेगा, पड़ताल करेगा, किसकी मतलब काफी सारे इश्यूज की, काफी सारे फैक्टर्स की, तरीके की, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, डेटा प्रोटेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, डेटा को बचाया जा सकता है। क्या होता है आजकल टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हम लोग हर चीजें मतलब सॉफ्ट कॉपीज में रखते हैं, और अगर वो सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रॉय हो गई तो समझ लीजिए आपका सब कुछ, जैसे आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ फाइल्स आप रखते हैं काफी सारे, और एग्जाम से एक हफ्ते पहले अगर ये सब डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा आपका, तो काफी मुसीबत हो जाएगी ना रिविजन के टाइम पे। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट के कितने इंपॉर्टेंट और कितने कॉन्फिडेंशियल ये रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में एक रिपोर्ट लीक हो गई थी, किस चीज की रिपोर्ट लीक हुई थी आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑस्ट्रेलिया में एक रिपोर्ट लीक हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, एक मैंने हिंट दिया आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये एक डेटा था जो लीक हो गया था, ये काफी मतलब इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन उठे थे इस लीकेज के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक है, ये एक पैनल बना हुआ है, ये पैनल जो रहेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे जो कि स्टडी करेगा मतलब इस चीज के बारे में, इश्यूज के बारे में, जो कि डेटा को प्रोटेक्ट किस प्रकार से किया जा सके, और जो भी उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उसको किस प्रकार से हटाया जा सके, और उसको कौन लीड कर रहे हैं, इसके चेयरपर्सन है जस्टिस B.N. श्रीकृष्णा। तो ये पार्लियामेंट्री पैनल है, रेणुका चौधरी जी इसकी चेयरपर्सन है, तो उनका कहना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसको इंट्रोड्यूस तभी करना चाहिए जब ये बायो सेफ्टी है, एनवायरमेंट के लिए सेफ होनी चाहिए, इंसानों के लिए सेफ होनी चाहिए, खाने के लिए सेफ होनी चाहिए, और काफी सारी चीजों मतलब की प्रोसेस से गुजरने के बाद ही इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखो हुआ क्या था, इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में भी देखा है, उस समय क्या हुआ, उसके ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद हमारी जो लैंड थी, जो सॉइल थी हमारी, ये काफी डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि फार्मर्स को सही तरीके से इस चीज को, फर्टिलाइजर्स को यूज करना नहीं आया, तो उस चक्कर में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं उसमें भी काफी सारी
सेफ्टी परस्पेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद ही इस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो ये इस पैनल का कहना है। देखिए ये वाली जो पैनल है ये सोल्जर्स के लिए काफी अच्छी है, काफी लाभदायक है, क्योंकि इनको 100% पेंशन दी जाएगी। इनको जो सोल्जर्स हैं उनकी जो वाइफ है उनको 100% जो मतलब जिन सोल्जर्स की डेथ हो गई है मिशन के दौरान या किसी भी चीज से, मतलब अगर वो सोल्जर हैं ऑन ड्यूटी, अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनको 100% पेंशन दी जाएगी। और इनको इनके चेयरपर्सन है बी सी खंडूरी इनके चेयरपर्सन है। ठीक है फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री पैनल इसका नाम है। फ्रेंड्स ये 29 मेंबर पैनल है, ये के राजेश्वर राव जी इसके चेयरमैन है। तो ये पैनल क्या रिव्यू करेगी, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 में जो आई थी उसको रिव्यू करेगी और एक नई नेशनल मिनरल पॉलिसी को बनाने की रिपोर्ट देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नेशनल मिनरल पॉलिसी क्या है, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 क्या चीज है, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो ये कमिटी है फ्रेंड्स, देखिए हुआ क्या था कि डिमोनेटाइजेशन के कारण और जीएसटी आने के कारण मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, उसके कारण काफी सारे प्राइसेस बढ़ गए थे। तो उसी चीज को देखते हुए हर चीज, काफी सारी चीजें, काफी सारी कमिटीज बनी थी कि किस तरह से ये सब चीजों को मेंटेन किया जा सकेगा। क्योंकि देखिए क्या हो गया था कि डिमांड बढ़ गई थी, सप्लाई कम हो गई थी, तो उसके कारण क्या हो गया था, प्राइसेस लेवल भी बढ़ गए थे, चीजें मार्केट में नहीं आ पा रही थी, बहुत महंगी हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी ना फ्रेंड्स ओवरऑल जीएसटी के कारण, और डिमोनेटाइजेशन होने का लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उसमें भी लोगों ने काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी उस समय। बट फिर भी मैं इस बात को मानूंगा कि हमारा काफी पेशेंस लेवल काफी अच्छा है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन को वेलकम किया, तो नहीं तो फिर काफी जगह तो दंगे वंगे हो जाते हैं, तो काफी मुसीबत हो जाती है काफी कंट्रीज में इस प्रकार की अगर सिचुएशन आ जाए तो। इंडिया देखिए, इंडिया कितना पेशेंस है, इंडिया के अंदर हम लोग कितना मतलब पेशेंस, जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो अगर आपको ऑप्शन होगा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो आपको पता लगेगा कि हम लोग कितने मतलब पीसफुल और पेशेंस है पुराने टाइम से ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टी के विश्वनाथन है जो सेबी है, ये काफी नोन पर्सनालिटी है ये भी, तो ये सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसकी कमेटी के चेयरपर्सन टी के विश्वनाथन है। तो ये कमेटी क्या सजेस्ट कर रही है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मेजर्स कर रही है जिसमें कि मार्केट्स को देखेगी है, मतलब किसमें, मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए किस तरह से मार्केट्स को इम्प्रूव किया जाए, तो उसमें देख रेख करेगी है और उसका मतलब सुझाव देगी बेसिकली कि मतलब किस तरह से उस चीज को और इम्प्रूव किया जा सके, मतलब जो जो भी अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के कारण, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण, तो ये उसमें काफी मतलब हेल्पफुल करेगी, एक सपोर्ट देगी ये वाली कमेटी। देखिए फ्रेंड्स, एक और ये डिफेंस से रिलेटेड एक और कमेटी आ गई है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये शिकतकर कमेटी इसको हेड कर रही है। और ये जो कमेटी है, टू एनहेंस द कॉम्पैक्ट एबिलिटीज और रीबैलेंसिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको रीबैलेंस करने की बात कर रही है। और ये हमारे जो डिफेंस के जो वेपन्स है, इक्विपमेंट्स है, तो उस चीज को और बढ़ाने की बात करिए, ठीक है, और तरह से एनहेंस करने की बात करिए, ठीक है, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, जो हमारे लड़ाकू क्षमता है, जो हमारी डिफेंस जैसे वेपन्स की बात करें या फोर्स की बात करें, तो उस फोर्स को बढ़ाने की बात कर रही है। और ये बात करिए जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उस चीज को बैलेंस करने की बात करिए, जो डिफेंस में जो काफी सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उस चीज को रीबैलेंस करने की बात कर रही है। तो उससे मतलब एक तरह से फाइनेंशियल लेवल पे भी काफी अच्छी बात करी है, क्योंकि हमने डिफेंस की एक और कमेटी बैठी थी जिसका नाम था जो फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड जो डिफेंस की जो कमेटी थी जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड्स में बात करी थी, वो उसी से इंटरलेट करते हुए ये वाली कमेटी बनी है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज। फ्रेंड ये देखिए, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है लक्ष्मीकांत पॉलिटी में, आपने इसके बारे में पढ़ाई होगा ESC के बारे में, तो ये विवेक देव रॉय इसको काउंसिल को हेड कर रहे हैं, जो चेयरपर्सन है विवेक देव रॉय। और जो ESC है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एडवाइस करती है गवर्नमेंट को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है किस चीज से लिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो मतलब फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स टॉपिक से रिलेटेड, ये सीधे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ESC इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो एडवाइजरी से आपको समझ में आ रहा होगा, ये एडवाइस करती है इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को। देखिए पंजाब जो है वो काफी ज्यादा ड्रग एडिक्ट स्टेट बन गया है, जो काफी सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं वो की जो कि पंजाब में है,
तो फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड ये कंपनी ये कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है पंजाब गवर्नमेंट स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेट चीफ सेक्रेटरी हैं जो कि इसके वो है क्या बोलते हैं चेयरपर्सन, और ये कमेटी क्या करेगी, मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करेगी, ये जांच करेगी और की हेल्प करेगी स्टेट्स को ड्रग्स डी एडिक्शन बनाने में, जो कि जो नशीले पदार्थ जो लोग लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं जो लोग, उससे डी एडिक्ट करेगी और एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाएगी, मतलब एक रिहेबिलिटेशन केंद्र बनाएगी, सेंटर्स बनाएगी रिहेबिलिटेशन, जहां पे लोग जाके मतलब जो नशे के पदार्थ हैं उससे मुक्ति मतलब कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं उस नशीले पदार्थ से। तो ये पंजाब में, जैसे आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा, उस मूवी को देख के आपको पता ही लग गया होगा कितने सारे लोग वहां पर ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। तो ये वाली काफी बुरी चीज है अपने इंडिया के लिए, बट चलिए अब ये गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है तो आने वाले समय में शायद हमें अच्छी न्यूज सुनने को मिले। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी लीगल न्यूज है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जाके, जो ये आईटी एक्ट के ऊपर बनाई गई है ये वाली, जैसे 2-3 साल पहले हमने देखा था एक न्यूज जिसमें एक किसी ने मतलब हेट स्पीच के ऊपर इंटरनेट में जो काफी सारे जो लोग गाली गलौज करते हैं उनके ऊपर काफी सारी न्यूज आ रही थी, ये 2-1 साल पहले की मेरे ख्याल से बात है, एक या 1.5-2 साल पहले की बात है जहां पर हम लोगों ने देखा था काफी न्यूज इस तरह की आ रही थी। तो उसी लिए ये कमेटी बैठी है जिसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि सेक्शन 78 है आईटी एक्ट का उसको, और सेक्शन 153 और 50A है इंडियन पीनल कोड के, उसको अमेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कमेटी बात करिए, तो थोड़ा सा लीगल है ये, आपको थोड़ा सा जाके फ्रेंड्स ये सेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 78 ऑफ आईटी एक्ट, गूगल चार्जर से पूछ लीजिए आप, गूगल चार्जर आपको बता देंगे, आप गूगल चार्जर से पूछ लीजिए। तो 103 और 50A आईपीसी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली हेट स्पीच है इंटरनेट के ऊपर, जो लोग गाली गलौज करते हैं उनके खिलाफ जो मतलब एक्शन लिया जा सके और उनके खिलाफ जो लीगल केस बनता है उसके लिए है ये कमेटी, ये जो हेट स्पीच और इंटरनेट के लिए जो कमेटी बनाई गई है, ये टी के विश्वनाथन है जो इसको हेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये लीगल है थोड़ा सा यार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम लोग ने पहले भी मतलब थोड़ी देर पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी काफी सारे चीजें की जा रही है, काफी सारी मतलब कमिटीज इसके पीछे लगी हुई हैं कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट में मतलब इंक्रीमेंट आए इंडिया के अंदर। तो उसी प्रकार से ये कमेटी और है, नीति आयोग एक्सपर्ट टास्क फोर्स, बेसिकली कमेटी नहीं है टास्क फोर्स है जो एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये टास्क फोर्स है, एक्सपर्ट टास्क फोर्स, दो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, ये भी काफी नोन पर्सनालिटी हैं, ये भी न्यूज में काफी रहते हैं। तो ये डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं जो ये हेड कर रहे हैं इसको, जिसके चेयरमैन हैं ये इस टास्क फोर्स के। और ये टास्क फोर्स क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी जॉब क्रिएशन बाय एनहेंसिंग इंडियाज एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाकर ये एक जॉब को जॉब क्रिएट करेगी। ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ाकर, तो बेसिकली क्या करेगी, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है अपना, तो उसके जरिए भी काफी सारे एक्सपोर्ट्स बनेंगे। और उसके अलावा हमने काफी सारे स्टैंडअप स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम करा था, उसी से रिलेटेड काफी सारी जो सब यूनिट्स हैं उसको मतलब अपने अंडर में लेकर ये एक एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट करेंगी और उसके थ्रू काफी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, है ना फ्रेंड्स। तो ये था नीति आयोग एक्सपर्ट टास्क फोर्स का। ओके फ्रेंड्स, जो जीएसटी काउंसिल बना था उसकी मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था कि उसके उसमें भी एक मतलब एक कमेटी बनाई गई थी जीएसटी काउंसिल में। तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जो ये एक चीज है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जीएसटी को लेकर, तो जिसको हेड कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। और तो ये क्या, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये मॉनिटर करेंगे और रिजोल्व करेंगे जो आईटी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जीएसटी में, तो उसको रिजोल्व करने के लिए ये काफी ज्यादा ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो ये कमेटी बनी है या जो कमीशन बना है, तो ये वाली चीज हेल्प करेगी। ठीक है, किस चीज में हेल्प करेगी, ये जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जीएसटी में, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में, तो ये उस चीज में हेल्प करेगी। जैसे कि जीएसटी काउंसिल जो बन गया है, जीएसटी काउंसिल जो है ये भी एक चीज है जो काफी मतलब आईटी सेक्टर्स में भी जो काफी ज्यादा मतलब वो कर रहा है इम्प्रोवाइजेशन में काफी हेल्प कर रहा है जीएसटी काउंसिल। ये देखिए फ्रेंड्स, नाम बिल्कुल सेम है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जो कि हमने यहाँ पर देखा था पिछली स्लाइड में, जिसको सुशील कुमार मोदी जी जिसको वो चेयरपर्सन है, जिसके इसमें हसमुख अढ़िया जी चेयरपर्सन है इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी में जो वो कर रहे हैं, तो उसमें आईटी सेक्टर को सॉल्व करने की बात कर रही थी, इसमें एक्सपोर्ट सेक्टर्स के जो इश्यूज हैं
उसको देखने की बात करेंगे, उसको जांच करने की बात कर रहे हैं, और उस जांच करने के बाद उसको जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड करने की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको दूसरी पिछली स्लाइड में बताया था जीएसटी काउंसिल के बारे में फ्रेंड्स। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये भूपेंद्र यादव जी जो है वो को कर रहे हैं, इसके चेयरपर्सन है, इसको लीड कर रहे हैं। तो ये कमेटी क्या करती है, टू एग्जामिन एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। तो ये एक रिपोर्ट एग्जाम रिपोर्ट की जांच करेंगी, किसकी, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल के। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए फाइनेंशियल रेजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 जो है, ये देखिए 2017 का ही बिल है ये, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा नीचे लिख दो चार लाइन बताइए कि फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल क्या है। तो ये इस रिपोर्ट की जांच करने की बात कर रही है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है। ये बहुत जरूरी है आपको इस कमेटी के बारे में जानना, एक पहला पॉइंट, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको, इसके चेयरपर्सन है, इसको लीड कर रहे हैं इस कमेटी को। तो और सेकंड चीज, ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है अपॉइंटमेंट में हायर रैंक्स के जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उनके अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये उनको अपॉइंट करती है। और सेकेंड है पब्लिक इंटरप्राइजेस के हो गए, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो हायर रैंक्स के ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए ये कमेटी, ये कमेटी है, उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो इससे इसी से आपको पता लग रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि इसके जो हेड है, जो चेयरमैन है, वो प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी है। देखिए फ्रेंड्स, अगेन ये वाली कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए बेसिकली ये सब कमेटीज भी मैंने इसलिए डाली है कि आप देखिए लक्ष्मीकांत में तो आपको मिली जाएगी ये सब कमेटीज, बट फिर भी मैंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज के बारे में गारंटी बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जिस जो 100% गारंटीड है, जो एग्जामिनेशन में आती ही है, मतलब पूछी जाती है इस टाइप की कमेटीज। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको, इसके चेयरपर्सन है, और ये डील करती है एक्टिविटीज में, जो कौन सी एक्टिविटीज में, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डील करती है अपने देश की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उसमें ये वाली कमेटी इंटरफेयर करती है और इसको डील करती है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है। देखिए फ्रेंड्स, इस कमेटी को सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी में या पॉलिटी वाले सेशन में आपने इस कमेटी के बारे में सुना ही होगा, सुपर कैबिनेट के बारे में। तो इसका पूरा नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। ये डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन अफेयर्स में के इश्यूज के ऊपर बात करती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज में, इश्यूज को लेकर। और ये काफी पावरफुल कमेटी है क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है ये कमेटी, और ये अंदर भी डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर भी, देश में भी, और फॉरेन अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स में भी डील करती है वाली कमेटी। तो इसकी बहुत काफी ज्यादा पावर है, और इसलिए देखिए इसको सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। और जैसे कि मैंने बताया चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और इसमें काफी मतलब काफी इम्पोर्टेंट और काफी मतलब ज्ञानी टाइप के जो मेंबर्स होते हैं, इसमें काफी ज्यादा ज्ञानी टाइप के मेंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं इस कमेटी में। देखिए फ्रेंड, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी से लेकर जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, वो ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है उन खर्चों के लिए, वो इसको देखती है, मॉनिटर करती है ये वाली कमेटी इन खर्चों को, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है। और अगेन इसके जो चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और इस कमेटी का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के बेस के ऊपर ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेंडिचर देखती है डिफेंस का, और प्लस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ये कमेटी का नाम होता ही है। और ये सब कमेटी हालांकि लक्ष्मीकांत पॉलिटी में दी गई है फ्रेंड्स, बट आपके मतलब रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको बताने के लिए कि ये सब कमेटी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब बिल्कुल नोट डाउन करना ही है फ्रेंड्स, 100% आएगा ये सब एग्जामिनेशन में। देखिए फ्रेंड, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो रहते हैं जगह पर, अकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, जहां पर वो रहते हैं, उसके अलॉटमेंट के लिए ये वाली कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आपको पता होना चाहिए, जहां पर रहने की जगह मतलब आवास जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो होम मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह हैं, तो ये बहुत मतलब इस नाम से ही काफी इजी कमेटी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो जहां पर रहते हैं उनकी जो प्लेसेस होती हैं उसको अलॉट करती है ये वाली कमेटी। जो पार्लियामेंट का फ्रेंड्स बिजनेस होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस होता है बिल पास करना वगैरह, और काफी सारी चीजें जो डिस्कशंस वगैरह होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वही उसका बिजनेस होता है। तो ये क्या करती है ये वाली कमेटी जो होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये देखती है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में काफी बार पूछे भी जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये राजनाथ सिंह जो है अपने जो होम मिनिस्टर हैं
ये इसको इसके चेयरपर्सन है फ्रेंड्स। तो ये कमेटी क्या करती है, ये लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस, जो गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, जो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट का बिजनेस होता है, जो बिल्स वगैरह को देखती है, एक्ट्स वगैरह को देखती है, और जो किस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उस चीज को भी मॉनिटर करती है ये वाली कमेटी, और काफी सारी काम होते हैं इस कमेटी के बेसिकली। तो ये गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होती है, जैसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, अपन बोलते हैं ना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसका भी काफी ज्यादा मेजर पार्ट है, क्योंकि उसको भी रिव्यू करती है ये वाली कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 50 प्लस कमेटी पूरी हो चुकी है, और ये डीजे प्रोड्यूसर एपिक सेंसेशन है। अगर आपको ईडीएम म्यूजिक पसंद है तो आप इनके पेज को लाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सपोर्ट करिए इनको। ये ऑल ओवर इंडिया इनकी बुकिंग अवेलेबल है, आप इनको यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज हमने पढ़ी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फ्रेंड्स। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसको प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और फ्रेंड्स लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, अपने आंसर्स नीचे लिखिए, और सजेशन दीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। और फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफी सारे गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो भी सिलेबस होता है, और उसमें काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, वो आपको पूरे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इवन हम लोगों ने ऑप्शन सीरीज भी चालू करी हुई है, ऑप्शन सीरीज में अगर आप देखेंगे तो हर मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी, अभी तो डिफेंस ऑप्शनल भी आ गया, लॉ ऑप्शनल भी आ गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑप्शनल भी है हमारे पास, और काफी सारे ऑप्शनल सीरीज हम लोगों ने चालू कर दी है फ्रेंड्स। तो आपके दोस्त हैं जिनका भी यूपीएससी का ऑप्शनल हो या स्टेट सिविल सर्विसेज का ऑप्शन हो, आप उनको भी रिकमेंड करिए, और नोटिफिकेशन बेल पे हिट करिए फ्रेंड्स, और फेसबुक पेज को हमारे लाइक करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जिन भी भाइयों ने और बहनों ने इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे लिंक दी गई है इसमें कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पे जाके आप फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसमें सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो ज्ञान सर आपको प्रोवाइड कराएंगे, वीडियोस पूरे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे वहां पर, उसकी लिंक्स वगैरह, और काफी सारी इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पर मिल जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।